इस इवेंट को हमारे YouTube के माध्यम से भी कई सारे दर्शक देख रहे हैं, तो वहाँ YouTube से प्रश्न आया रवि जी का, तो मैं अनुरोध करता हूँ शिव जी से अगर वो रवि जी का प्रश्न पढ़ दें माननीय मंत्री जी के लिए, क्योंकि प्रश्न काफी महत्वपूर्ण भी है। शिव जी ये क्वेश्चन है हमारे एक यूट्यूब व्यूअर का। सो इन पास्ट 6 इयर्स रेलवे स्टेशंस एंड अदर फैसिलिटीज ऑफ रेलवे हैज गॉट मैसिव फेसलिफ्ट। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन आवर कंट्रीज टूरिज्म? एंड अनदर क्वेश्चन, दिस इंक्लूड्स योर वंडरफुल इंटरवेंशन इन पीएम कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी एज वेल। सो ही वुड लाइक टू नो अबाउट दीज एफर्ट्स। वेरी गुड क्वेश्चन। बिफोर 2014 आपको बताना चाहता हूँ, आई यूज टू ट्रेवल मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रेन। व्हेनेवर यू गो टू रेलवे स्टेशन बिफोर 2014, इफ एनीबडी गोज टू द स्टेशन ही यूज टू क्लोज हिज नोज एंड ही हैज टू एंटर द रेलवे स्टेशन। ये हालत हमारा देश में था और हमारा सौभाग्य हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री का When he became the Prime Minister in 2014, पहला कोई कुछ भी काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू पकड़ के देश को स्वच्छ करने में लग गया। वो टाइम में झाड़ू पकड़ के खुद प्रधानमंत्री बाहर आने के बाद हर प्रदेश का हर युवक चालू किया, हम भी हमारा क्षेत्र में स्वच्छ रखना, क्लीन रखना। और जो महात्मा जी का स्वप्न था वो साकार करने में आदरणीय प्रधानमंत्री का योगदान बहुत बड़ा है, उसमें बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। और आज मैं खुशी से बोल सकता हूँ, you go to any station today, the youths are taking selfies in the railway station so that the stations are kept so neat and clean. For that I congratulate and I thank the employees of the railway and the officials of the railways also. They have taken a special task into clean the station and keep the stations update at world class. Today adarniya pradhan mantri independence day ke time mein bataya हर युवक इस देश में मिनिमम 15 प्रदेश को टूरिज्म में देखना चाहिए। हम बहुत दफा विदेश में जाकर देखने के लिए जाते मगर हमारा देश में नहीं देते देखते। इसके लिए प्रधानमंत्री का सोच है एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री शुड मिनिमम ट्रेवल टू 15 प्लेसेस इन द कंट्री फॉर ए टूरिस्ट। सो बाय क्लीन कीपिंग दिस क्लीन एंड नीट एंड द रेलवेज द पीपल कैन मूव इन रेलवेज एंड दे कैन सी मेनी प्लेसेस। उदाहरण के लिए आपको बताना, काशी में मैं जब गया था तब मंडवाड़ी स्टेशन वॉज वेरी गुड एंड नीट क्लीन, और बाद में मुझे मालूम पड़ा काशी स्टेशन बहुत पुराना था वो क्लीन नहीं। मैं सरप्राइज विजिट करने के बाद काशी स्टेशन भी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा किया। मैं इसके लिए उधर का सभी अधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। काशी स्टेशन भी आदरणीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहते हुए भी उधर क्लीन नहीं था, बाद में भी जाने के बाद वो लोग वो भी क्लीन करके अच्छा करने के लिए मैं उधर का सभी हमारा रेलवे कर्मचारी को बधाई देता हूँ। क्लीन रखा है और ऐसा ही आगे भी वो रखना चाहिए। इसके अलावा अयोध्या में और ये वर्ल्ड क्लास भी आने वाला दिनों में अयोध्या विल बी द वर्ल्ड वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट सेंटर भी हो जाएगा। उसके लिए भी हमारा अधिकारी दल आने वाला दिनों में वो स्टेशन भी सुंदर करना, क्लीन रखना, वो भी करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री भूमि पूजन किया है। उसके बारे में हमारे लोग सोचना चाहिए। आने वाला दिनों में काशी मथुरा का भी मैं अभी स्टडी किया है, 2-3 मीटिंग अभी वर्चुअल मीटिंग में भी किया है, काशी मथुरा का भी किया है। ऐसा हमारा प्रदेश हमारे देश में देखने के लिए बहुत टूरिस्ट सेंटर्स है। ये आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला युवकों के लिए ये बहुत बड़ा एक योगदान मिल जाएगा। ये आदरण प्रधानमंत्री का सोच बहुत बड़ा है, वो विजन से देख लिया तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये सभी प्लेसेस लोग देख लिया तो दे विल कम टू नो हाउ इंडिया इज, हाउ पावरफुल वी आर। So, ये सभी होने से आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा योगदान ये हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलेगा। और आज मैं बहुत खुशी हूँ हमारा रेलवे स्टेशन बहुत क्लीन एंड साफ है। इसके लिए रेलवे कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।